आयु दादा बस भगवान करे हम दोनों की जोड़ी हम साड़ी पहन लो का सोनू से सबके लगाव बहुत ज्यादा हो गया ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सब चीज बहुत अच्छे से हो गया और मायके में रहने के बाद ना बहुत ही दिल को सुकून भी मिलता है और आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से मुझे जाना है घर और जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी वो फाइनली वो आज काम पूरा हो गया। और आप सब बिना मतलब के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कब जाओगी कब जाओगी, तो बस इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि जब तक दुकानें पूजा नहीं होता ना हम यहाँ जा नहीं, और फिर भैया लोग कर नहीं पाते तो वो जो हमारे जो दुकान दिए हैं आंटी फिर उनको करना पड़ता। तो भैया का नाम भाई घर की लक्ष्मी रूबी है और यहाँ पे है ऐसे में तीनों बहन हम इस घर की लक्ष्मी है और अब तक प्यारे से लक्ष्मी भी आ गई है लेकिन बनेगा नहीं करने के लिए, तो इसीलिए हम रुक गए और भैया हमारे शुभ हाथों से करवाए। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया, इनफैक्ट मेरी पूरी मायके वाली फैमिली को। बहुत शुभ दिन था और वो शुभ दिन अच्छे से हो भी गया। अब यहाँ से मैं निकलने की हो चुकी है बारी और हमारी प्रिंसेस देखिए कैसे स्माइल दिए जा रही हैं। हाँ लड्डू हाँ, तो मुझे जितना आया मैंने पूजा बहुत अच्छे से करने की कोशिश की। अब चलते हैं ड्रेस चेंज कर लेते हैं और मम्मी देखिए क्या क्या कर रही है। अरे डग्गू को भी रेडी करा, चिकन जैसा किया है, इधर सब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए भूख लगेगा ना तो खाना होगा। हाँ हाँ देखिए ये है मेरी भाभी का हमको दिए जा रहे हैं एकदम। सब जल्दी जल्दी उठे हैं और सारा जल्दी फिर से गर्मा गर्म बना के सारा देखिए यहाँ पे कैसे पैक कर रहे हैं हम। ज्यादा मत दीजिएगा माँ, हाँ बस काफी है, ज्यादा मत दीजिएगा। तो मम्मी सारा डब्बा में रख दिए जा रहे हैं। पता नहीं यार ये दिन क्यों आता है मायके से जाना अपने ससुराल, नहीं आना चाहिए बट ना भाभी मायके ससुराल जाने का दिन नहीं आना चाहिए क्या? बहुत बुरा दिन होता है भाभी भी आ जाते हैं। अच्छा जा तो बाबू कह रहे हैं दीदी जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, हम लोग जो निकलने वाले हैं ना स्कूटी से निकलेंगे। तो चलिए डू को भी रेडी कर देते हैं और कुछ खा लेते हैं और टाइम भी देखिए ज़्यादा हो गया, 9 बज गया है। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं इस घर में, हमारा वैसे भी आज आखिरी दिन हो गया मतलब अब जा रहे हैं घर। अभी प्रिंसेस को देखिए अकेले सुला दिए, माँ तो सो रही है। अभी दिखाते हैं आपको प्रिंसेस को, इन्हें देखिए मस्त पलटी भी कर ली और ये वाला फ्रॉक भी पहनाएंगे भाभी, अच्छा लगेगा। बाकी हमारा जितना जो था बैग वग हाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हम लेके नहीं जा रहे हैं ये रहा, थोड़ा छोटा सा झोला लेके जाएंगे और ट्रॉली बैग बाबू वाला दीदी बाद में जो भी सामान आपको छोटा होता है वो ले जाएगी क्योंकि हम लोग स्कूटी से यूज़ कर रहे हैं जल्दबाजी में और स्कूटी से तीन तीन और चार वो लेके जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो गाइस फाइनली हो चुकी हैं अभी रेडी और भाभी जी के हाथों से गर्मा गर्म ग्लास चाय पी लेते हैं, पता नहीं कब मिलेगा पीने के लिए। अभी भाभी को इनवाइट और मम्मी को सबको आएंगे अबर में, देखते हैं कब तक आते हैं ये लोग। हाँ बाबू जी ने दिया था। तो देखिए डुब्बू भी रेडी नहीं किए, डुब्बू अभी चीकू भी सोया हुआ है। हाँ बेटा देखिए मामा और मामी दोनों मिलकर बाबू को कपड़ा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जाना है, ठीक ठीक मत जाना मत जाना। आपने लड्डू गोपाल दिखा सुबह बाबू नहाए बाबू हाँ चलिए वो कुछ नहीं खाता है बाबू, ये सब चीज खा लेगा खा लेता है। और हमारी प्रिंसेस मस्त मुंह में उंगली दबाए एकदम राइट राइट। डुबू तुम्हारी मैया किधर है? मैया बाबू हो चुका है रेडी। बाल बाबू रुको वो छोड़ दो बाबू यही छोड़ दो मेरे तरफ से। हाँ भाभी देखिए खोचा दे रहे हैं, अब ऐसे भी जरूरी नहीं है लेकिन हाँ है खोचा देना जरूरी है। आइयो दादा चलिए रांची आइएगा मम्मी के साथ में ठीक है ना, क्योंकि भाभी ना शादी के पहले गए थे रांची, वो भी कुछ सामान है ना शादी का ना शॉपिंग करने, इधर रांची मतलब आया नहीं है तो मिस तो करेंगे ही बहुत ज्यादा। बस
भगवान करे हम दोनों किसी जोड़ी हम शादी पहले होगा फिर आएंगे। तो हमारा जी फर्ज बनता है प्रिंसेस को देने की, अच्छा है ना प्रिंसेस, आप लोग अनमोल है बेटा, ये लीजिए ये लीजिए, ये देखिए, अरे बॉन्ड्री माली है दादी की मम्मी मम्मी पूरा मालिक मम्मी है नहीं दादी भी है, ऐसा नहीं है, दादी है ना बेटा, दादी है ना, बस दादी खाना खा रहा है, बस यहाँ से हम निकलेंगे। ठीक है मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दवाई टाइम से खाइएगा। अच्छा सब बच्चा लोग के देखना ना, देख लेकिन गोल भांटा तले पठवाई थी, गोल भांटा तले बच्चा के रहना चाहिए, पता नहीं क्या होता है, मम्मी के पास जब भी आई है ना तो पूरा मम्मी केयर, इसीलिए हम डुबू को लेकर यहाँ पे यहाँ से पठा दे वाट 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 दीजिए, किसी को खाता हूँ कितना खोखते भर में रखा खाना, हाँ जब खाता ही बस। अब मम्मी के साथ बस लास्ट ये वीडियो है, बस अब हम तक ख्याल रखिएगा और दवा टाइम से लेते रहिए। हां अब फिर भी तो निकावेल होता कोई रोक टोक ना हवा ना तो निक दरवाजा खुदा हवा ना है, वो तो बस मम्मी आज से नहीं, शादी जब होता है तब खुद ही बोला जाता है बेटी लोगों की मायका हमेशा बेटी लोग का रहे और रहता भी है गाइस, जब भी आते हैं यहां पे आने के बाद ना डुगु लोग बाकी सारे बीवी लोग बहुत मन लगता है पर मजबूरी है वहाँ जाना, डोगो का स्कूल और चीकू भी सबके बाय बाय हो गया, बाय कर इधर सब बाय बाय कर रहे हैं, बाय डोगो, बाय कर दो मम्मी को, बाय कर दो हमारी बेटी के बहुत सारे आवा पैसा कहाँ से मिला इन्हें फिर अच्छे से रहिएगा ठीक, आप थोड़ा अपना ख्याल कीजिएगा और बाबू लोग को भी ख्याल कीजिएगा, ये चीज तो है, ये तो सब चीज हमको बोलते हैं खाने खाने के लिए, देख कुछ लोग बोलते इतना खाती है मोटी, सच में वाकई में खाना ही नहीं खाते हैं, बहुत लोग हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। क्या बेटा चली चलिए देखिए 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 ना अभी बिजी कर रहा है, चलिए चल रहे चल रहे हैं माँ, देखिए चलिए घींच के लेके जा रहा है, चलिए बाबू निकाल रहे स्कूटी, हाँ हाँ चल रहे बेटा, तो सोनू अभी निकलेंगे मामा सोनू से सबके लगाव बहुत ज्यादा हो गया ना तू बर्बाद हो गया मामू बात कर दो बाय, तो कुछ काम है वहाँ से काम कर देंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे, ठीक है निकलिए चले देखते मामू लोग कुछ देर कर खाने वाला। दोस्तों हम लोग बस आधा दूर दोस्त कर रहे हैं, मस्ती चल रहा है, अंग्रेज खाना था, एक समोसा भी खाया और फिर भी भूख लगल है, मम्मी भी मात्र चना खाई, निकल गए थे तो चना भी नहीं खाते, ये तो भैया डालते हैं
पहुंचने वाले हैं, इधर बुलबुल बुझ गया थोड़ा सा और देर में। चीकू खूब सो रहा है ना। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग घर पर, और ये देखिए थैला वाला सब यहीं पर रखे हुए हैं, अभी अंदर भी नहीं घुसे। क्या चीकू आता ही अपना मकई तोड़ने लगा? पता ही दे रहा था, वाकई बाप रे इतना मेरा मक्का कितना मिस कर रहे थे मकई को। चलिए अच्छा है, इसको लीजिए और पैर हाथ धोने दीजिए। आज रूबी देखिए क्या पहनी है, जींस पहनते ही ऐसा थोड़ी है। अरे वाह, बोला बोरा आप नहीं हटाए थे जी, अंदर नहीं रखे थे, पूरा सड़ गया बोला बोरा नहीं रखे थे हम। आप क्या किए हैं भगवान, थे खेले ला। रूबी आते ही सारा बेडशीट चेंज कर दी, तकिया खोली चेंज कर दी, और सब देखे नीचे फेंके हुए। बोल रही कैसे इतना गंदा रखे थे, तो गंदा थोड़ी था, बरसात के मौसम है तो क्या करें हम। देखे तुम गजब लग रहा है मेरा। आज मीना पता है क्या हाल किए हैं? हमने किए हैं, पानी किया है, हम क्या करेंगे। आप किए हैं, हमको दुश्मनी है उससे, पूरा ही रूम जी क्या करें, कैसे रहे नहीं करते थे। अब जे आदमी मार्बल में रह के आया है और रहेगा रास्ता घर में तो उसको लगभग ना करेगा। मजाक बना रहे हैं कि मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, हम इसने में रहते थे तो हमको आदत हो गया है। जो हमको लगा कि हाँ बेबी लोग के लिए उचित है वो चीज हम कर दिए, बाकी जब भी सब सफाई होगा ना वो अब सो कल सुबह ही करेंगे, क्योंकि तो बहुत सारा हमको करना है, कल पता नहीं क्या होगा। और मेरा घर पर देख रहे तो ज्यादा हमको इसका टेंशन है, बताइए ना ये क्या है, देखिए तो क्या हो गया है, बारिश की वजह से क्या हो गया, पूरा डस्ट ही काला, वो पता नहीं कैसे काला काला बैठी आता है, वो पानी पड़ा ना उसके पूरा करिया करिया हो गया सब, पूरा रूम सीनर तो का करे हम, हमारे हाथ में है गुड़वा देखो वो भी पूरा काला काला हो गया। देख रहे हैं सब हालत खराब है, झाड़ू यहाँ पर हम लगा दे छोड़ दो, इधर पकड़ लो बाबू को, देखो हटी 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 इधर आइए ना, जिस रूम में नहीं रहना है उसमें बॉल बंद कर देता, संतुष्टि नहीं हो रहा है, यही नहीं होता है। चल रहा है चीकू का दवा, बंद कर दिया जाके बॉल, कितना खुश हो गया बॉल बन के खुश इतना है। बदमाशी नहीं करते हैं झोलवा है, खांसी दवा डू का है तो दे दो, ये खांसी दवा है। चक्कर चक्कर क्या है,